हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सुबह लेट उठे और गैस चली गई थी, और जब गैस आई तो मैंने सोचा क्यों ना पहले सालन बना लिया जाए। कुछ समझ जब ना आ रहा हो कि क्या बनाएं तो फिर दाल ही बचती है, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले आज दाल ही बना ली जाए, फिर बाद में नाश्ता कर लेंगे। मैंने जल्दी से दाल तैयार करने की ट्राई की कि नाश्ते से पहले पहले हमारा सालन रेडी हो जाए ताकि हम नाश्ता कर, क्योंकि अगर सुबह सुबह नाश्ते में दाल हो तो इजीली सब नाश्ता कर लेते हैं। कोई भी मुंह नहीं बनाता कि मैंने ये लेना था, मैंने वो लेना था, सब इजीली नाश्ता कर लेते हैं दाल के साथ। और आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी तक दाल में ऑयल नहीं ऐड किया है, क्योंकि मैं कहती हूँ कि पहले दाल और सारी जो भी हमने प्याज टमाटर और जो भी मसाला जात हमारे होते हैं वो ऐड करके, मैंने कहा इनको पहले अच्छे से हम पका लेंगे, दाल जब अच्छे से गल जाएगी ना उसके बाद मैंने कहा हम ऑयल ऐड कर देंगे, क्योंकि इस तरह बहुत ही कोई अच्छा सा जायका आता है दाल का, बहुत मज़ेदार लगती है। आजकल पाकिस्तान में एक बीमारी बहुत आम हुई हुई है जिसको आई फ्लू कहते हैं और इसको आई पिंक भी कहते हैं। ये एक दूसरे को टच करने से भी आई थिंक हो रही है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये फैल रही है, बड़ी तेज़ी से फैल रही है। तो हमारे घर में हिजाब स्कूल गई थी और वहाँ से वो ये चीज़ लेकर आई, हमारे घर में सबको ही तकरीबन हुआ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होती है इसकी, इससे पूरी फैमिली ही तकरीबन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हुई है, बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है इससे, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। ज़ाहिर है जब आपकी आँखों में बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है तो आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद मुझे अनीक ने बोला कि आप भी क्यों ना मैं इस चीज़ को अपना एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है मैं क्यों ना लोगों के साथ शेयर करूं, तो मैंने कहा क्यों नहीं आप लाजमी शेयर करो। उसने फिर मुझे कहा कि मेरी आपने वीडियो बनानी है और उसको लोगों को दिखाना है, मैंने कहा हाँ वाई नॉट, जरूर जरूर। यहाँ आप आगे वीडियो में आपके साथ अनीक अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा, तो आप सुने। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आपको पता है एक आई फ्लू पाकिस्तान में फैला हुआ है, इसकी वजह से बहुत से लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। जैसा कि मैं इस चीज से इन्फेक्ट हो चुका हूँ, इवन मेरी फैमिली इन्फेक्ट हो चुकी है। आपको स्कूल से ये इन्फेक्शन हुआ था जिसकी वजह से हम भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। इससे बचने के लिए हमें एहतियात करनी बहुत जरूरी है। जैसा कि हमें अपने गंदे हाथ आंखों पे नहीं लगाने चाहिए और मुंह हाथ बार बार धोना चाहिए। टिशू से अपनी आंखें साफ करें और टिशू वेस्ट कर दें। डॉक्टर को लाजमी दिखाएं और अपनी आंखों में ड्रॉप्स डालें। अब ग्लासेस का इस्तेमाल करें ताकि बाकी लोग इन्फेक्टेड ना हो। मैं स्कूल गया था, उन्होंने मुझे क्लास में एंटर नहीं होने दिया ड्यू टू इन्फेक्टेड आईज। यहाँ पे हम तो भाई अपना ये वाली मेडिसिन यूज कर रहे हैं जो कि बहुत अच्छी इफेक्टिव है, हम सब ये यूज करते रहे, अच्छी है। और इधर मगरिब की नमाज का वक्त हो गया तो हमें देख के बच्चे भी नमाज पढ़ने लगे हैं। माशाल्लाह वैसे अनीक को तो आदत है कि वह नमाज पढ़ता है हम सबके साथ मिलके, क्योंकि इसको आती है लेकिन हिजाब ट्राई करती है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई लाइक करें, शेयर